वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको बताऊंगा कि जो ये मार्बल होते हैं वो उनके अंदर जो क्रैक होते हैं, क्रैक जैसे आप समझ गए हो कि मतलब बिल्कुल पत्थर थोड़ा सा फूटा हुआ होता है, तो उसको आप किस तरह से सही कर सकते हो, उसको वापस आप धोखाधड़ी से उसको वापस कैसे भेज सकते हो, और मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँगा। क्योंकि आज हमारे वर्कर है, मैं उनको लेके आया हूँ, तो वो काम कर रहे हैं, तो उनको आपको बताऊँगा मैं कि जैसे माल होता है इनको किस तरह से सही किया जा सकता है। देखो जैसे कंकर लगे हुए हैं, तो इस माल को रिपेयरिंग किया हुआ है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमारे लोग हैं जो कुछ इसका माल मसाला तैयार कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो माल मसाला कैसे तैयार किया जा सकता है और उसको तैयार करने में कितना समय लगता है, उसके अंदर क्या क्या पड़ता है, सारा सब कुछ मुझसे बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड आइए। सेकेंड वाला प्रोसेस है, देखो इसके अंदर आता है पाउडर आता है और इसको बोलते हैं आर्नर, आर्नर आता है और एक ये आता है रेगजिन। ये रेगजिन आता है, सबसे पहले ये पड़ता है, इसको हम अगर एक बोतल डालेंगे इतना सा तो इसमें आर्नर पड़ेगा इतना सा, ठीक है। जैसे ये डालेंगे 70 ml तो ये पड़ेगा 30 ml का, ठीक है। इसके अंदर पाउडर अपने काउंटिंग के अकॉर्डिंग पड़ता है और ये अब तैयार हो रहा है। देखो इनका नाम है, हेलो सर आपका नाम क्या है? राजू भाई कीर है, ठीक है। ये विनोद जी है, इधर बैठे आराम से। ये माल मसाला तैयार हो रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं, इसको बनने में शायद 15 या 20 मिनट लगते हैं आराम से। और इन मार्बलों की परख नहीं कर सकता है। देखो जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसको फिलिंग किया हुआ है, देखो ये माल दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे इसको फिलिंग किया हुआ है, अब पता तक नहीं चल रहा है कि ये माल शायद फिलिंग है। और अब ऐसे बिकता है जैसे कि पत्थर से पानी जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं हम, बाय, सी यू, टाटा।